अब्दुल रहमान के व्लॉग में खुश आमदीद। जुमा मुबारक। आज जुमे का दिन था और बड़ा बिजी होता है जुमे का दिन। वैसे जुमे का दिन पता ही नहीं चलता कहाँ से आया कहाँ गया। और आज ये देखें, आज कुछ चीज़ें मैंने मंगाई हुई हैं और ये देखें, सूजी मैदा तिल खोपता नहीं है किस्सा बना रही है नहीं भूल गया। देखें अब मेन इंग्रेडिएंट्स भूल गए, पिस्सा बना रही है, अब मैं कैसे बनाऊं ये? हंसते आगे से हंसते की क्या बात है। ले आते हैं अभी, ले आते हैं। तो ये आज मैं बना रही हूँ, ये दूध घी का पैकेट की तरह। तेल आपने कहा था, आप वो लिस्ट दें जरा मुझे, लिस्ट दें, लिस्ट लाए, एक मिनट लिस्ट उधर पड़ी है, लिस्ट निकाले। लिस्ट में ये क्या लिखा हुआ है? क्या ये लिस्ट में क्या लिखा हुआ है? चीनी नहीं, ये चीनी है ना, ये क्या चीनी के नीचे ये है तेल घी, और ये लिखा हुआ तेल। हाँ तेल पड़ा है ना, ये तेल क्या है? ये घी, घी घी इसका मेन इंग्रेडिएंट। अच्छा अच्छा, घी खत्म हो गया था, चेक करके आता हूँ है या नहीं मार्केट में, शॉर्टेज हुई भी है। ये देखिए लगे लिस्ट लेकर गए थे लेकिन इन्होंने नहीं लाया, अब इन्हें दोबारा जाना पड़ेगा क्योंकि आज हम बना रहे हैं हमारी छोटी सी प्यारी सी मुन्नी सी बेबी जो है वो चलने लगी है, चल भी रही है माशाल्लाह, और उसकी कल बर्थडे भी है, तो उसके लिए हम ये बनाएंगे मीठी टिकिया भी कह सकते हैं, गोगियां भी कह सकते हैं पंजाबी में, और पकवान भी कह सकते हैं, मतलब जो भी नाम दें। आप बताएं आपके उधर इसको क्या कहते हैं जो मैं बनाऊंगी। तो क्योंकि अभी उसके चलना शुरू है तो हमारे यहाँ पर ये रवायत है, जब बच्चा चलता है तो ये हम बांटते हैं मोहल्ले में। तो आप लोगों का भी ऐसा है तो अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेशन में बताया करें प्लीज़, मुझे गाइड किया करें, मुझे कुछ बताया करें आप लोग कैसे बनाते हैं क्या है, और रेसिपी अगर समझ ना आए फिर भी बताया करें और अपनी रेसिपी भी शेयर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कैसे बनाते हैं, तो मुझे भी नई नई रेसिपी ट्राई करने का मौका मिलेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और उस्मान जाके घी ले आए, बाय। मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं अब इनको करके रखना है, तो ये लेकर आते हैं घी, फिर मैं आपको बनाता बताया। आप लोगों को भी इतने मच्छर आ गए, घर बहुत मच्छर आ गए। देखिए ये दो चीज मिसिंग थी, ये दो चीजें आ गई हैं, इसमें से जो बचेगा हम उनको वापस दे देंगे। नहीं जरूरत नहीं ना, दो छोड़ दो। नहीं हम उनको वापस देंगे, हमारा काम है, हम अपने काम पे वो नहीं करते तो किसी की चीज से रखते हैं, हमारा काम है हम लोगों को बना के देती हैं, किसी भी ऑर्डर दे रहा हूँ तो बचे थे हलवे का, मेरा सिग्नेचर जर्दा है, आप मैं जर्दा बना के दिखाऊंगी उसका, मतलब किसी भी चीज़ का मुझे ऑर्डर दे मैं आप लोगों को बना के दूंगी, चीज़ें आपकी होंगी और पकाई मेरी होगी, ये भी हो सकता है, लेकिन चीज़ें हम ला सकते हैं वो भी आपको हिसाब से आपको बताऊंगी। उस्मान हंस रहे हैं, उस्मान हंसने की बात नहीं है, मैं सीरियस कह रही हूँ। अच्छा अब मैं इसको लेकर किचन में शिफ्ट करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें आज ज़्यादा काम है तो। और बुशरा क्या तुम्हें ये अच्छी लगती हैं? और ये अगर अच्छी लगती है तो बिश्रा मैं तुम्हें भी भेजूंगी आज। क्या अच्छी लगती है चीजें? कुछ बना किया? अच्छा नहीं कर। हेलो, ये देखें ये अपना गिफ्ट ले आई है, ये जो जो ये मुनज़्ज़ा को अपनी कजन को देंगी कल या आज जब भी देंगी, तो ये उसका गिफ्ट खरीद लाई, उनका गिफ्ट बोल रहे हमें पता चल गया, इसने तो खुद ही दबा दिया। ये देखिए मैं नाप के डाल रही हूँ, मैं अभी आपको सारी क्वांटिटी बताती हूँ, मैं भूल भी गई हूँ बीच में, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, चले। असल में क्या हुआ, हमारा मीटर का इशू आ रहा था, नया मीटर लगा है ना, तो उसके लिए प्लम्बर आया हुआ था, वो गैस बंद भी थी तो लेकिन मीटर चल रहा था, तो बिल तो हम नहीं भरना है, तो इसलिए भाई ने उसको बुलाया था प्लम्बर को, प्लम्बर ही था ना उसमान, तो इस वजह से इशू है। देखिए किचन हाल, देखें आप किचन का क्या हाल बना हुआ है। ये देखिए ये तिल है, मैंने 10 कप मैदा तकरीबन 1 किलो से ऊपर है, यानी कि 1.25 किलो मैदा, और ये देखें ये तिल,
मैंने इसमें 10 चम्मच ही डाल दिए हैं, वैसे आप थोड़ा ज्यादा अपनी मर्जी से कर लें। और ये पिसा नारियल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ही डाल दूं आसमान सहते पूछते। अच्छा इतने लोग देख रहे हैं, मैंने मुझे अभी पता चला कि इतने लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, लेकिन मसला ये कि सब्सक्राइब भी तो करें ना, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें। मुझे नहीं समझ आ रही, जिससे पूछो कहते हम देख रहे हैं, लेकिन उतने मेरे क्या कहते हैं उस्मान, क्या आप अपनी फैमिली से कहें शेयर करें, तो उतने सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे जिस लिहाज से लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे भाई बता रहा है वो भी देख रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं, मैं वो कोने वाली बाजी भी कह रही थी मेरा व्लॉग भी है, तो ये बड़ी खुशी हुई इस चीज को कि लोग देख रहे हैं। लेकिन इतना है कि प्लीज प्लीज आगे से आगे शेयर करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और फेसबुक पे भी शेयर करें ताकि ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब हो। और आपका बहुत शुक्रिया जो आप लोग मुझे देखते हैं, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अब रेसिपी की तरफ जाएं, किचन का सूरत हाल बहुत इस टाइम पर वो है, मैसी हुआ है, तो खैर है कोई नहीं। 10 कप मैदा, अभी वो जूम से ही नहीं हो रहा यार, चलो अब 10 कप मैदा, ये मैंने 10 चम्मच इसमें तिल, और ये 10 चम्मच बरादा नारियल, मैं देख लूंगी कमी पेशी होगी मैं कर लूंगी, और ये देखें 5 कप सूजी ये मैं डालती हूँ, 5 कप भी 4 डाल लेते हैं फिर चेक करते हैं, क्योंकि ये ना हो ना टूट जाए, खस्ता हो, छान लें इसको, क्योंकि सूजी में आजकल वो बारीक बारीक से भी आजकल, आज तो नहीं अब तो थोड़ा बेहतर ही हो गया आलू, क्या कहते हैं उस्मान। 4 कप मैं सूजी इसमें डालती हूँ, फिर आप लोगों से बताती हूँ। अल्लाह करे अच्छी अच्छी सी बन जाए, किसी को देनी हो तो बहुत टेंशन होती है। अच्छा मेरे भाई ने अभी मुझे एक रेसिपी बताई है, बड़े भाई ने, उसने मुझे उन्होंने मुझे कहा है कि आप ना इसको बेक भी करके सकती हैं, मतलब वो कह रहा है कि बिस्किट टाइप बन जाता है, वो भी मैं कोशिश करूंगी। अभी मैं रखती हूँ ओवन में, तो ओवन में मैं रख के देखती हूँ कि वो ओवन में कैसा होगा, वो कह रहा 10 मिनट लगेंगे और हो जाएगा, तो वो भी करके देखते हैं। उस्मान क्या कहते हैं? सही है, अभी हम आपको और दिखाते हैं थोड़ा सा, जब तक इसको प्रोसेसिंग कर रही हूँ। इलायची पाउडर मैंने ये डाल दिया है, ये देखें आपकी मर्जी, आप वेनिला एसेंस डालें, इलायची पाउडर डालें, जौन सा फ्लेवर आपको चाहिए वो आप डाल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और ये देखिए मेरे पास चीजें जो बची जा रही है हम आपको वापस करेंगे, आपकी सारी चीजें हम आपको वापस, जिसने पकवाई करवानी हो हम हमें ऑर्डर दें, आप हम आपको आपकी मर्जी की चीज बना के देंगे इंशाल्लाह। और जो पकाए चीजें बचेंगी वो आपको वापस करेंगे, और आपको दिखाएंगे भी नजर आ रहे हम क्या बना रहे। अच्छा अब ये सब कुछ हो गया। अच्छा उस्मान अब ये देखें, हमने इसमें चीनी डाली थी 6 कप चीनी है, इसमें मैंने डालना है दूध और घी, घी तेल नहीं डालना, क्या डालना है? घी, 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 इंडिया के ड्रामा की तरह घी, घी, घी। अच्छा जी 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 यानी कि मैंने ये डाल दिया है, कितना होगा उस्मान ये मैं आपको बताती हूँ, 1.5 कप इसमें मैंने घी डाल दिया, 1.5 कप, ठीक है, थोड़ा सा और डालूंगी क्योंकि ये ना हो ना कि वो अक्सर टूट जाती हैं, भुरभुरी सी हो जाती हैं, वो घी ज्यादा होने से हो जाती हैं, घी हम इतना डाल लेंगे बस, 1.5 कप घी डाल दें, ठीक है। 10 कप है इस वजह से इसमें 1.5 कप डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग 2 कप के लिहाज से बनाएंगे, यानी कि 2 कप आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, 2 कप की आप 15 टिकियां आराम से बना सकते हैं, 2 कप घी में, सॉरी 2 कप मैदे में 3 टेबलस्पून आप 3 या 4 तिल डाल लें, 3 टेबलस्पून नारियल डाल लें, और 1/2 कप सूजी डाल लें, और 1 कप चीनी का डाल लें, ठीक है।
और उसके बाद इसमें तीन पाँच पाँच टेबल स्पून, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरी बड़ी बाजी कह रही थी कि रेसिपी बताइएगा, तो मैंने कहा था आज के ब्लॉग में देख लेना। पाँच चम्मच जो है, पाँच या चार चम्मच घी के डाल लीजिएगा, एक कप चीनी में और आधा कप दूध डाल लीजिएगा, गर्म दूध हो, और मेरे घर में गर्म दूध इस वजह से नहीं है, वजह आप लोगों को पता है, मैं इसको गर्म करती हूँ, देखती हूँ। देखिए ये मैं डाल रही हूँ इसमें, कितना दूध है ये उस्मान बताएं? पाँच कप दूध है, और ये मैं इसको जरा सा हल्का सा गर्म कर लूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। दूध नहीं दिखा सकते आप लोगों के हम किसी की ब्रांड की नुमाइश नहीं कर रहे, नहीं दूध जो भी हो, ये पाँच कप मैं कहती हूँ चार, चलो इतना डाल देते हैं, देखते जरा, थोड़ा सा वो करती है, कहती है कि खराब ना हो, थोड़ा टेंशन है ना, लोगों को कुछ सिखाना टेंशन है यार, अपना तो चलो चलता है। चूल्हा लग गया, बस हल्का सा मैं इसको करूंगी, जरा सा मेल्ट हो जाएगा, चीनी हो गया, हल्का सा बॉईल करना है, बॉईल बस नीम गरम सा करना है, फिर मैं ये देखें दूध चीनी और घी को मैंने मिक्स कर लिया है इसी से बस, और ये बहुत मजे की बनती है, खस्ता बनती है, करारी बनती है और बड़ी अच्छी बनती है, सामान जो है ना खस्ता और करारी मान छेड़ी नहीं मुझे, अभी मेरे बहुत सारे काम है ना, इस वजह से मैं ये कहा गया टीनी में, तो क्या हो गया उस्मान कह रहे हैं ऐसे ना को, मैं जो चीज आ गई है कोई मैं देख रही हूँ कि खराब तो नहीं है कोई जल्दी, ये चेक करें, ये पड़े हैं तिल बादाम, ये पोर करेंगे सारा इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे गूंदेंगे, पोर नहीं करेंगे, इसे गूंदेंगे, पोर कर रहे हैं ना इसके अंदर डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नीम गरम है ये, और वाली बहुत मोबाइल के लिए सारे चीखे मार रहे हैं, पता नहीं मुझे लगता है ये शीरा ज्यादा ही होगा थोड़ा, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत चीजें पड़ी हुई, मैं फिर मिक्स करके और बना लूंगी, क्योंकि बांटनी है और बना लूंगी, कोई इशू नहीं है इसमें, है इशू या नहीं? Yes, of course. तो बताएं क्या आप लोग मुझे ये बताएं, कल का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा था मेरा? बीच में मैंने बड़ा वो किया कि हम बहुत घूमे, हम हसन गए, हम टेक्सला गए, हम सारी जगह घूमे, फिर हमने छोटी छोटी वीडियोस लेकर उसको बनाया, पता नहीं आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आज मेरी बाजी की भी कॉल आई थी, वो कहती थी तुम्हारे व्लॉग नहीं आ रहे, असल में क्या था पिछले कुछ दिनों से इनके वालिद साहब की तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से उस्मान वहाँ चले जाते थे, तो मेरे से अकेले ये देखे, फिर मैं यही करूँ, ये वली साहब की आवाज़ आ रही है ना इस वजह से बस, अभी आएगा भी हमारे पास, ये आ रहा है, चलें इसकी आवाज़ देखिए उस्मान जी क्या कहते हैं पहले यार। अच्छा जी, ये इस स्टेज पे आ गए, इसको आधे घंटे के लिए आपने रख लेना है, मैं ये थोड़ा सा बादाम डाल रही हूँ, मर्जी आप लोग डालें ना डालें, वैसे इस दफा एक्सपीरियंस कर रही हूँ कैसा बनेगा बादाम, इसको दिखाएं ना ये क्या कह रहे हैं, क्या कुर्सी, क्या कह रहा है कुर्सी को, क्या हुआ है इसमें, देखें काट के डालेंगे बादाम, ये देखें थोड़े से इसको काट के डालूंगी, और ये मैंने फ्राई के लिए, फ्राई कोई आप लोग घी में करना चाहते हैं तो घी में करें, तेल में करना चाहते हैं तो तेल में फ्राई करें, आपकी अपनी मर्जी है, हम आपकी मर्जी के आगे, कच्चे भी खाना चाहते हैं तो खाएं नहीं नहीं कच्चे नहीं खाना, इतने भी नहीं हमारे, इतने अच्छे ये, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करवाते ना अपने फ्रेंड्स फैमिली को, नहीं शेयर कर रहे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, क्या कर सकते हैं प्लीज शेयर शेयर, अच्छा आज सिर्फ हमारा टॉपिक है शेयर ही कहता है, ऐसी बात नहीं है, मेरे देखने वाले बहुत अच्छे हैं, और आज बारिश की सुना है, आज इधर बारिश हुई अटक में, सुना अभी भी बारिश हो रही है, मेरी बाजी की कॉल आई थी, वो कह रही थी वहां पर बारिश हो रही है, तो और कह रही थी कि उनकी जेवर की डेट रखी गई, जरा दिखाए जरा नजर ही मार दी मेरे, देखे मैं इतना काम करी पसीना चेक करें बारिश के बावजूद, आप सुने वहां पे, और एक और आप न्यूज देन थे, एक तंदूर वाले वो भी हमारा चैनल देखते हैं, तो उनका भी सलाम, उनके पास मैं रोटियां लेने जाता हूँ अक्सर,
तो मुझे घूर रहे होते हैं, बाद में चला गया तो मेरा चैनल देख रही है, तो मुझे हर टाइम देखते रहते। हाँ देखो उस्मान को इस बात की बहुत खुशी हुई कि बहुत से लोग देख रहे हैं, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब। अच्छा ये देखें, मैंने इसमें कुछ बादाम डाल दिया, आप चाय डालें नहीं चाय नहीं डालें, कोई पिस्ता है पिस्ता डालें, बादाम है बादाम डालें। और आज मौसम अच्छा था, मैंने कोशिश तो कर ली कि मैं बनाऊं, पर इस तरह से मिक्स करेंगे। क्या ये चेक करें कितना प्यारा, अंदर बादाम भी नजर आ रहे हैं। अब अल्लाह करे कि मैं ही फ्राई करूँ तो बेस्ट फ्राई हो। अब मैं ऐसा करती हूँ, इसको थोड़ी देर छोड़ती हूँ, कढ़ाई धो लेती हूँ, उसमें पकोड़े थे, पकोड़ों का चिप्सों का वाला ऑयल था वो निकाल देती हूँ। इसके लिए मैं सारा ऑयल डालती हूँ, मेरी कढ़ाई ज़रा छोटी है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर चलो। बोतल का ढक्कन, बोतल का ढक्कन है, हमने इससे बनानी है बहुत सारी। ये बोतल बहुत दूर से आई थी, आपको याद है कौन सी? मैं छोटी रखना चाहे छोटी रखें, स्टार शेप में रखें, किसी भी शेप में रखें, आपकी मर्जी है। थोड़ी सी मोटी हो गई है, पहले अपने भाई का तरीका आजमाने लगी इसी तरह। नहीं नहीं वो मेरे पास ये परात खाली नहीं है, इसलिए शायद आप माइक्रोवेव में डालें। नहीं मैं डालूंगी, वो भी मैं डालूंगी आज, मोटी है मोटी है। ये देखें, ये देखें। अच्छा मुझे आप बताएं, हम गांव में ना जो गांव वाले होते हैं, मतलब हमारा भी जो गांव है उधर मकई की ज्यादा पसंद की जाती है और तंदूर में लगती है, उसका तो अपना ही टेस्ट होता है मकई की। ये शहर का स्टाइल है, तो वो जो होती है ना उसमें सौंफ डलता है और गुड़ मकई में, वो बहुत मज़े की होती है। अभी ज़रा सर्दियाँ आ जाएँ तो वो बना के रखूँगी मैं वली के लिए भी, तो वो बड़े मज़े की होती हैं। अब पता नहीं आज कैसी बनी है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, अभी खा के आप लोगों को बताएंगे। उस्मान आज फ्री हुए मैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा फ्री हुए, तो देखते हैं। मैंने बनानी है पता है कितनी, देखते हैं इससे क्या आप कितनी बनती हैं। उस्मान इसे चेक करते हैं, मेरा अंदाज़ा सही है कि गलत है, इतनी में मैं कितनी बना पाऊँगी। ठीक है 100% रॉन्ग होगा, आप बताइए, आप लोग बताएं मैंने कितनी बना। आप लोग नहीं देखें, मैं आप लोगों को एक बात कहती हूँ, देखें उस्मान मुझे साथ दिया ते कुड़ियो, मैं ते मुकई नहीं गोगियाँ बनानियाँ, ते मकई ने गोगियां विच इस तरह पानियां, तुसी किस तरह पाने हो, ते मैं इस ते सटे क्या हो, ते नाल सटे तिल, ते तिल बड़े ताकतवर होने, तिल दिमाग भी तेज करने, ते तिल पेशाब दी बीमारियां दूर करने, ते इस समय अच्छी तरह बेलसा, असा ने दौर च बेलने दे नहीं होने, हूं तो असि एवं ये कुड़ियां लगिया रहनिया तां भी सीधी रोटी नहीं पका सकनियां, ये कुड़ियां वा कोई कम भी नहीं आना ते फिर भी लगिया रहनियां, पुठियां सीधियां असि आने भी घरां संभालने भी रोटियां करने, असा ने देर जेठ नाल रहने, अजकल दियां कुड़ियां चार गोगियां बनानियां ते सारे जां वा दसनियां। ये देखें जी बन रही हैं, असल में कढ़ाई छोटी है नहीं तो जल्दी जल्दी हो जाता है। ये देखें मैंने इतनी सी टिकिया बना ली है, बड़ी अच्छी बनी है, खस्ता है, कुरकुरियाँ भी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ मैं, जैसा मैं चाह रही थी बिल्कुल वैसी बनी है। तो जिस जिसके घर आए तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी थी, ठीक है, ताकि मेरा दिल अच्छा हो जाए, बाग बाग हो जाए, गार्डन गार्डन हो जाए, यस मेहनत वसूल हो जाए। देखे पसीना मेरा ये क्या हुआ, जी हाँ कितना काम हो चुका है आपका? मेरा हाफ काम हो चुका है, आए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 जो है वो रेडी है, देखते हैं इसकी बनेगी। 100 बन जाएंगे स्मॉल,
मुझे उम्मीद है, आपको क्या लगता है? नहीं कितनी बनेगी? चलो मैं बच्चे को दिखाता हूँ, बच्चे का कार है। ये देखें दोनों बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, आजकल बच्चे और अशार है, मोबाइल 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 वाली। ऊपर देखो, हेलो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है जी। अरे कजन भी इनकी आई भी है, वो आगे आओ। ये नाराज होके लगता है जा रही हैं, इनके फेस एक्सप्रेशन देखें नाराज होने वाली। ये दोनों कजनें बहुत नाराज आपस में रहती हैं ना, क्या कर सकते हैं। ये वली खान है, प्यारे पठान है, मिठे पठान है, वली खान है। ऊपर देखे ना वली खान जी। हम जाते हैं सिद्रा की तरफ जी। हाँ ये टिक्कियाँ, हेलो टिक्कियों का आधा काम हो गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि टाइम से हो रहा है काम, और गर्मी की हालत है और नाश्ता का मौसम अच्छा था। पर मैंने आज बनाए थे लोबिया चावल राजमा चावल, इंडिया हिंदी में कहते हैं। यस राजमा चावल आज मैंने बनाए थे। चने में गूंद रही है, अच्छा सॉरी पेड़ा बना रही है, गूंद लिया इन्होंने, गूंद चुके हैं। अब तो आधी बन भी गई है, आधी और है, देखते हैं कितनी बनती है। चलो नहीं, अगर कुछ ऐसा हुआ हाफ हो गई तो आधी मैं कल बना लूंगी, कोई मसला नहीं है। आधी आज बन जाएगी, आधी कल बन जाएगी, कल का दिन है शाम तक, इंशाल्लाह मैं बना पाऊंगी इंशाल्लाह। चलो ये देखिए ये बन गई है, अभी ये बस थोड़ी सी रह गई है, काफी हो गई है, दिखाएंगे। खस्ता और मजे की ये, मैं आपको भी ओवन वाली भी दिखाती हूँ, बस मैं ये थोड़ा सा काम कर लूँ फिर ओवन में रखती हूँ, वो बेक हुई भी आप लोगों को दिखाती हूँ वो कैसे बनती है। ठीक है हम फूलों की शॉप में आए हैं, ये देखें इनका कितना प्यारा फूलों की कुछ जल्द फूल देखें। हम क्यों आए हैं ये भी अभी हम आपको बताएंगे कि हम यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं। आज का स्टार्ट पता नहीं पर वर्षा है, आज सुबह सुबह मुझे और हमारे थोड़ा सा काम था, हमने ये देखेंगे रिसीव किए, ये रिसीव किए, ये ऑर्डर दिए हुए थे ये रिसीव करने थे, इनके लिए हम आए क्योंकि आज एक छोटी मिनी प्यारी सी बेबी की बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे छोटी सी मेरी प्यारी सी बेबी, और ये उसकी तैयारी हो रही है बर्थडे, हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि बर्थडे नहीं है, लेकिन जो चीज़ें तैयारियाँ हो रही हैं हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी हम बहुत जगह जाएंगे वहाँ पर, हमें गैसी गुब्बारे वाला नहीं मिल रहा, हम सुबह से गैसी गुब्बारे वाला ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमने गुब्बारों में हवा बुलवानी है करवानी, तो इधर हमें मशवरा दिया है तो वो जाके हम ट्राई करते हैं। और ये गाड़ी के लिए फूल सजवाए हैं, और ना आज वो भी नहीं मिलेगा फोटोग्राफर, तो देखते हैं क्या होता है। वली खान बहुत प्यारा लग रहा है आज, माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया ये बेबी। छात आया हुआ है हमारे पापा की बात खेल रहे। वली खान ऊपर देखो, सबको हेलो करो, हेलो करो सबको, हेलो हेलो वली खान सब सबको हेलो। ये हमने दो ले लिए हैं और इसको घर जाकर हम क्या करेंगे अभी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। मैं डाल के देख रही हूँ आज क्योंकि टाइम कम है, कुछ और ऑर्डर आ गया है, तो इसको मैं ओवन में डाल के देखती हूँ ये कैसी बेक होंगी। मेरे भाई ने आसान तरीका मुझे समझाया इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह, तो ये मैंने 180 पे गर्म कर लिया था, फिर 150 पे 10-15 मिनट, देखते हैं इसका क्या सूरत हाल बनती है। से हम बैलून वाले को सुबह से बैलून वाले अंकल मिल नहीं रहे थे, अब मिले बड़ी मुश्किलों से, मैं और ख़याम भाई गए हैं। बट रोलों के बाद ये देखें, हमने जिस बच्ची का आपको हमने बताया था बर्थडे हम मना रहे हैं, तो उसकी हमने बैलून्स फुलवा लिए, ये चेक करें आप। तो
ये अब हम जाएंगे उन्हें घर देकर आएंगे और उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। लाया क्या? ये तो ईद है, सामने से ये थी बर्थडे का गिफ्ट था, ये सब घरों में दिया और ये इसके बाबा ने गिफ्ट भेजा था, ये मामी ने बनाया था बर्थडे केक, बहुत प्यारा था, बहुत हसीन था और बहुत अच्छा था। तो बर्थडे की नहीं थी लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा तैयारियां की और पिक्चर्स वगैरह बनवाई, लग रहा था कि हमारे घर सालगिरह है। तो खैर अल्लाह हाफिज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब, ये जो ऊपर आ रहा है इसको दबाएँ।